फोड़गी फोड़गी। मैं खिलौना नहीं हूँ, कचरा हूँ कचरा। बोलो यहाँ सफाई वहाँ सफाई, जहाँ देखो सफाई सफाई, इतनी सफाई में मेरा दम घुटता है क्योंकि मैं हूँ कचरा। कितनी दूर है हम? 8.5 किलोमीटर होएंगे लगभग। बहुत दूर नहीं है, मैं तुम लोगों को पार्किंग लॉट में मिलता हूँ। बड़ी ये बहुत रिस्की है। बड़ी फोर्की, फोर्की कहाँ हो? फोर्की, फोर्की कहाँ हो? गोदी ले लो। नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मेरे भाई, मैं बॉनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसे इतना चाहते हो कि उसके लिए चलती गाड़ी से कूद गए? कैसे समझाऊं? फोर्की, मैं इसलिए कूदा क्योंकि बॉनी सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती है। ओ, अच्छा? और मेरे दोस्त, तुम खास हो, कोई आम खिलौना नहीं। तो आम खिलाओ ना। फोर्की, कुछ भी बोलते हो, और वैसे अभी आम का सीजन नहीं है। देखो फोर्की, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने लकी हो हम सब खिलौनों में से। तुम बॉनी के फेवरेट हो, तुम उसकी खुशी और मुस्कान का कारण बन सकते हो जो उसे जिंदगी भर याद रहेगा। गोदी लो ना। ओके, कंट्रोल फ्री कंट्रोल। बॉनी को याद करो, फोर्की को माफ करो। ओके, कान खोल के सुन लो, तुम बॉनी के खिलौने हो और हमेशा वही रहोगे। वो तुम्हारे लिए कुछ हो ना हो, लेकिन तुम उसके सब कुछ हो। इसका मतलब ये कि जब एंडी घर आए तो कौन है? मतलब बॉनी, बॉनी के पास हमेशा रहना, ये तुम्हारा काम है। और तुम्हारा काम क्या है? तुम अपना काम ठीक से करो, ये देखना मेरा काम है। गोदी ले लो। नहीं। ये एंडी कौन है? मैं एंडी का खिलौना था। तुम किसी और के खिलौने थे? हाँ हाँ, कई कई सालों तक बहुत मजे करते थे हम दोनों। पता है, मैं उसका फेवरेट था। हम साथ साथ रहते थे, उसका कमरा सारे टॉय सब में दिखता। और बच को तो देखकर लगता है वो ना स्पेस सूट पहनकर ही नहाता होगा। हाँ, अरे पहले तो वो भी अपने आप को खिलौना नहीं समझता था। उसे समझाने में तुम्हारे बाल सफेद हो गए होंगे। हाँ, अरे डाई करना पड़ा। यानी मेरी तरह उसके दिमाग में भी। जानते हो फोर्की, सब बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं, फिर वो हमारी तरफ फिर कभी देखते ही नहीं। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और एक उम्मीद से रहती है कि किसी दिन भूले भटके उन्हें हम याद आ जाए, और उसी उम्मीद में हम पड़े रहते हैं सालों साल एक अलमारी में, बिल्कुल बिल्कुल बेकार। हाँ, और अंदर से खाली। एग्जैक्टली। बुरी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अच्छा, तुम और मैं सेम टू सेम कचरा। तुम्हें कचरे से इतना प्यार क्यों है यार? उसमें गिलगिलापन है, पिलपिलापन है। क्या बोल रहे? और अपनापन, जैसे कोई गले लगा कर कान में बोले सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोर्की, यही तो, यही एहसास बॉनी को होता है जब तुम उसके साथ होते हो। ऐसा क्या? यस। एक मिनट, क्या उसे लगता है मैं गिलगिला हूँ? एकदम। पिलपिला हूँ और गीलू पीलू भी। हाँ, वो भी। हाँ। ओ, अब समझ में आया, मैं बॉनी का कचरा हूँ। यस। क्या कहा? बॉनी का कचरा हूँ। नहीं नहीं नहीं, 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 तुम गलत समझ रहे हो। बॉनी मेरे बगैर एकदम अकेली होगी। ओके, चलो चलो जल्दी चलो। बॉनी, तुम्हारा गीलू पीलू आ रहा है।